बरेसगीर की दो बड़ी एटमी कुवतों का तसादम खित्ते के साथ साथ दुनिया भर के अमन पर सवालिया निशान लगा देगा। पाकिस्तान और भारत की अफवाज का अददी तनासब कम होकर 1:3 का रह गया है। दोनों ममालिक की अफवाज का अददी एतबार से जायजा लिया जाए तो भारत में हाजिर ड्यूटी फौजियों की तादाद 14,14,000 है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास 5,50,000 हाजिर सर्विस फौजी मौजूद हैं। लड़ाका तैयारों की बात की जाए तो भारत के पास 849 तैयारे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 352 तैयारे हैं। भारत 3,978 टैंक रखता है तो पाकिस्तान के पास 3,500 टैंक हैं। भारत के पास 16 अब्दोजे हैं, पाकिस्तान के पास 8 अब्दोजे हैं। भारत के बहरी जहाज 57 हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास 6 बहरी जहाज हैं। फिर हिंदुस्तान क्या 1965 की अपनी धुनाई भूल चुका है? हाँ, 1971 में वो हमारा मशरक की बाजू काटने में जरूर कामयाब हो गया था, लेकिन ये याद रखे कि इस कामयाबी में अमल दखल सब्जी खोर भारतीयों का नहीं बल्कि अपनों की बेवफाइयां थी। ताजा तरीन सूरतहाल इस चीज की मुतकाजी है कि कुछ अमूर भारत पर वाजे कर दिए जाने चाहिए। मसलन हिंदुओं के यहाँ मौत के बाद की जिंदगी का एक मखसूस तसव्वुर मौजूद है, जबकि एक मुसलमान इसे जिहाद ख्याल करते हुए पेट से बम बांध कर टैंकों के आगे लेट जाने को भी तैयार है। दुनिया वाले सुन लें कि भारत इसी वजह से जज्बा जहाज से खौफजदा है और हम पाकिस्तानियों को सकाफत और तजारत के नाम पर लुभाने की नाकाम कोशिश करता आ रहा है। फिर जज्बा ईमानी भी तो है, बेशक दौरे हाजिर में जदीद असले ने बिलाशुबा जंग आसान बना दी है, लेकिन मैन बिहाइंड द गन की थ्योरी बहरहाल मौजूद है। कहां स्कॉलिडर MM आलम का सेबत तैयारा और खुद MM आलम साहब के बकौल उन्हें नहीं मालूम कि किस तरह 5 जदीद भारतीय हंटर तैयारे 1 मिनट से भी कम वक्त में सेबत तैयारे की तोपों का निशाना बन गए। भारतीयों याद रखो, इस जज्बा ईमानी को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। और फिर ये बात भी तवज्जो तलब है कि खुदा ना खास्ता इस तबाकुन जंग के छिड़ने पर भारतीय मगरबी कमांड के सरबराह एयर मार्शल बोर बोरा के बकौल भारत ने पाकिस्तान के अंदर 5,000 टारगेट्स की निशानदेही कर रखी है, तो भारत सोच रखे कि भारत में भी ऐसे ही हजारों टारगेट्स की निशानदेही की जा चुकी होगी। पाकिस्तान के पास 10 अकसाम के मिसाइल भारतीय गरूर खाक में मिला देंगे। पाकिस्तान आज क्रूज मिसाइल बनाने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। और फिर इस जंग के बाद दोनों ममालिक का वजूद कुर्रा अर्ज से मिटता है तो दुनिया में वाहद हिंदू रियासत का खात्मा हो जाएगा, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अक्सरीती आबादी वाले 47 दीगर ममालिक दुनिया के खत्ते पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। और फिर जिहाद की लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जाएंगी। यूं हमारा नामो निशान मिटा देने की बात करने और धमकियां देने वाले अपनी खैर बनाए। और सबसे आखिरी बात, वो कहते हैं ना कि हिंदू खातून ने अपने भगवान से हुसन मांगा था जबकि मर्द ने धन मांगा था। चमड़ी जाए पर दुमड़ी ना जाए कि मुस्ताक भारत एक बड़ी आलमी इक्तसादी ताकत बनने की ख्वाहिश रखता है और इन दोनों इसके ख्वाब भी देखता है। क्या ये जंग उसे इक्तसादी तबाही से दोचार नहीं कर देगी? भारतीय पॉलिसी साजों को सोच रखना चाहिए। अमरीका और इसराइल की अंगेख्त पर शेर की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन जाया करता। ये खाल उतर गई तो पाकिस्तानियों की धुनाई उसे पहले से भी ज्यादा खौफ से दोचार कर देगी।